एसईओ कोर्स के इस वीडियो में आज आप सीखेंगे ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स वर्सेस कमर्शियल कीवर्ड्स। दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एसईओ के अंदर। अगर आपको एसईओ में एक्सपर्ट बनना है तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए, बिकॉज गलत कीवर्ड्स का सिलेक्शन आपको लॉस देगा, आपकी रैंकिंग अगर आ भी जाएगी तब भी आपको वो बेनिफिट नहीं होगा। तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आगे अगर आप मिस नहीं करना चाहते इम्पॉर्टेंट वीडियोज एसईओ की और जो नए नए कोर्सेज हम लेकर आते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल, बेल आइकन दबाइए। एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, मार्केटिंग फंडाज आप लोगों के लिए मल्टीपल स्किल्स जो कि न्यू ट्रेंडिंग और एडवांस स्किल्स हैं, हाई इनकम स्किल्स हैं विथ सर्टिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए और अपनी लर्निंग अर्निंग की जर्नी शुरू कीजिए। तो दोस्तों चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ट्रेनिंग कंसल्टेंसी के लिए दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांजैक्शनल कीवर्ड और कमर्शियल कीवर्ड्स के बारे में। तो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स क्या होते हैं, कमर्शियल कीवर्ड्स क्या होते हैं और उनमें की डिफरेंस क्या है, मुख्य अंतर क्या होता है। अगर आप एसईओ कर रहे हैं तो आपको एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए ट्रांजैक्शनल कीवर्ड के बारे में, कमर्शियल कीवर्ड के बारे में। तो बेसिकली ट्रांजैक्शनल कीवर्ड वो कीवर्ड होते हैं जो यूजर के इंटेंट को शो करते हैं कि यूजर अगर कोई कीवर्ड सर्च कर रहा है तो किस पर्पस से कर रहा है, जैसे कि उसको परचेज करना है, साइन अप करना है या कोई चीज डाउनलोड करनी है। ये कीवर्ड तो बेसिकली इस कीवर्ड में, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड में यूजर का जो इंटेंट होता है वो बहुत हाई कन्वर्टिंग और रेडी टू एक्शन वाला होता है। जैसे कि हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं, तो एग्जांपल है बाय आईफोन 13 प्रो मैक्स, ये एक एग्जांपल हो गया। या यूजर जब अगर उसको आईफोन लेना है तो वो क्या सर्च करेगा गूगल पे जाके, वाई आईफोन 13 प्रो मैक्स। या उसको कोई चीज डाउनलोड करनी है फोटोशॉप से रिलेटेड तो उसका नेविगेशन करने का कीवर्ड कौन सा होगा, डाउनलोड फोटोशॉप ट्रायल। या उसको टिकट बुक करनी है तो यूजर क्या सर्च करेगा, बुक अ फ्लाइट टू न्यूयॉर्क। अगर उसको कोई साइन अप करना है या कोई चीज ज्वाइन करनी है, वेबसाइट से सब्सक्रिप्शन लेना है, तो उसका जो नेविगेशनल कीवर्ड होगा वो होगा साइन अप फॉर अ योगा क्लास। सो इसका रोल क्या होता है एसईओ में, तो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, स्पेशली जो हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट है या बिजनेस वेबसाइट है उनके कन्वर्जन में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं ये ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। सो अगर आप अच्छे से ऑप्टिमाइज कर पाते हो इन कीवर्ड को अपने कंटेंट में तो ये बहुत अच्छा आपको हाई कन्वर्टिंग ट्रैफिक दे सकते हैं। जो नेक्स्ट कीवर्ड है वो है हमारा कमर्शियल कीवर्ड। कमर्शियल कीवर्ड बेसिकली वो कीवर्ड होते हैं जहाँ पे यूजर क्या है ना, फेज ऑफ बाइंग प्रोसेस, जब उसको कोई चीज बाय करनी होती है, द यूजर आर एक्सप्लोरिंग ऑप्शन एंड एवेल्युएटिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो जो कमर्शियल कीवर्ड होते हैं उसमें जो यूजर है वो ट्रांजेक्शन करने के बहुत पास में होता है, लाइक अगर वो है ना उसको कोई चीज परचेज करने के नियर होता है। तो कमर्शियल कीवर्ड बेसिकली वो कीवर्ड होते हैं जहाँ यूजर इंफॉर्मेशन गैदरिंग करता है टू बाय एनी प्रोडक्ट और सर्विस। अगर हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं तो बेस्ट लैपटॉप फॉर गेमिंग, कंपेयर आईफोन वर्सेस सैमसंग, रिव्यू ऑफ फिटनेस एंड ट्रैकर। तो यहाँ पे रिव्यू क्यों देख रहा है यूजर या कंपेयर क्यों कर रहा है आईफोन वर्सेस सैमसंग को, बिकॉज उसका जो इंटेंट है, खरीदने का जो इंटेंट है वो बाइंग है, उसको वो फोन लेना है, इसलिए वो कंपेयर कर रहा है। और जो अफोर्डेबल वेकेशन डेस्टिनेशन, अगर इस टाइप का कीवर्ड यूजर सर्च कर रहा है तो ये भी एक कमर्शियल कीवर्ड है जिसमें यूजर का इंटेंट है कि उसको एक अफोर्डेबल वेकेशन डेस्टिनेशन चाहिए। तो इसका क्या रोल है एसईओ में, इसका इम्पोर्टेंटली कमर्शियल कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके कंटेंट मार्केटिंग और लीड जनरेशन में। तो जो भी आपकी वेबसाइट है, अगर आप इंफॉर्मेटिव कंटेंट लिखते हैं तो वो क्या होता है, यूजर की क्वेरीज को रिजॉल्व करता है और उनको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है जिससे कि वो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस कर सके। तो बेसिकली कमर्शियल कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं
जो यूजर की हेल्प करते हैं बाइंग प्रोसेस में। सो अब हम बात कर लेते हैं की डिफरेंस क्या है ट्रांजेक्शनल कीवर्ड एंड कमर्शियल कीवर्ड्स में। तो जो ट्रांजेक्शनल कीवर्ड होते हैं स्ट्रॉन्ग इंडिकेट टू टेक इमीडिएट एक्शन, व्हाइल कमर्शियल कीवर्ड सजेस्ट अ डिजायर फॉर इंफॉर्मेशन और कंपैरिजन मेकिंग अ डिसीजन। तो जो ट्रांजेक्शनल कीवर्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इंडिकेट इंटेंट से होते हैं, जैसे कि हम बाद में बात की थी यहाँ पे कमर्शियल ट्रांजेक्शनल कीवर्ड के एग्जांपल में डाउनलोड फोटोशॉप ट्रायल। तो डाउनलोड फोटोशॉप ट्रायल में यूजर का जो कीवर्ड सर्च कर रहा है उसका इंटेंट है या जो भी एक्शन है वो इमीडिएट होगा। उसको अगर कोई फाइल डाउनलोड करनी है यूजर को फोटोशॉप से रिलेटेड, तो वो वहां पे सर्च करेगा डाउनलोड फोटोशॉप ट्रायल। तो जो ट्रांजेक्शनल कीवर्ड होते हैं उसमें यूजर का मेन इंटेंट होता है, स्ट्रॉन्ग इंटेंट होता है जो इमीडिएट एक्शन में ले सकता है, जबकि कमर्शियल कीवर्ड में जो डिजायर होती है यूजर जो कीवर्ड सर्च करता है वो या तो कंपेयर करेगा या डिसीजन मेकिंग करेगा जिससे कि वो बाय बाय कर सके कुछ चीज। तो स्टेज इन बाइंग प्रोसेस, तो ट्रांजेक्शनल कीवर्ड में जो टिपिकली यूज होता है फाइनल स्टेज ऑफ बाइंग प्रोसेस, और कमर्शियल कीवर्ड में यूजर है ना रिसर्च करता है, उसके बाद वो सोचता है कुछ करने के लिए कुछ लेने के लिए। तो जो कंटेंट स्ट्रेटजी की अगर हम बात कर लेते हैं, ट्रांजेक्शनल कीवर्ड को आपको ऑप्टिमाइज करना होगा बेसिकली फॉर प्रोडक्ट पेजेस और कन्वर्जन पेज के लिए, जबकि कमर्शियल कीवर्ड के लिए है ना आप ब्लॉग इंफॉर्मेटिव ब्लॉग लिख सकते हैं, रिव्यू लिख सकते हैं, कंपेरिजन आर्टिकल लिख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कन्वर्जन रेट की, तो ट्रांजेक्शनल कीवर्ड का जो कन्वर्जन रेट है बहुत हाई होता है, बिकॉज यहाँ पे यूजर का जो परचेज करने के बहुत पास होता है, जबकि कमर्शियल कीवर्ड में यूजर एकदम इमीडिएट कन्वर्जन रेट नहीं होता, बट उसका जो ट्रस्ट है आपके ऊपर वो बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ यू प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी कंटेंट लाइक रिव्यूज। सो अगर हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं, अगर कोई यूजर सर्च करता है बेस्ट बजट स्मार्टफोन, सो ये बेस्ट बजट स्मार्टफोन एक एग्जांपल है कमर्शियल कीवर्ड का, और इसका मतलब है अगर कोई यूजर सर्च कर रहा है बेस्ट बजट स्मार्टफोन तो वो रिसर्च कर रहा है। अगर कोई यूजर सर्च कर रहा है बाय सैमसंग गैलेक्सी A52, सो इस ये एक ट्रांजेक्शनल कीवर्ड है, इसका मतलब है यूजर बहुत करीब है परचेज के, उसको ये फोन लेना है इसलिए वो सर्च कर रहा है सैमसंग गैलेक्सी A52। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा, पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग या डिजिटल मार्केटिंग के सर्टिफाइड कोर्सेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, नंबर्स दे रखे हैं, आप उसके थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडाज़।